बाहुबली सीरीज के बाद प्रभास की रीच देश के कोने कोने तक पहुंच गई थी। भारत के बड़े मेट्रोस एंड अर्बन एरियाज तो ठीक है, पर कंट्री के इंटीरियर रीजन्स में भी प्रभास ने लोगों का दिल जीत के अपनी पहचान बना ली थी अपने परफॉर्मेंस एस बाहुबली से। उनकी पॉपुलैरिटी को मैच कर पाना बाकी किसी भी सिनेमा इंडस्ट्री के किसी भी स्टार के लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन था। हिंदी सिनेमा वाले उनको नॉर्थ में कम्पीट कर सकते थे पर साउथ में नहीं, और साउथर्न एक्ट्रेस के लिए सिचुएशन वाइस वर्सा थी। सिंपल वर्ड्स में प्रभास मॉडर्न एरा में बाहुबली 2 के बाद हिंदुस्तान के पहले और प्रोबेबली इकलौते पैन इंडिया स्टार बन चुके थे, लेकिन अपने वो लेवल स्टारडम को कैरी करना प्रभास के लिए बड़ा मुश्किल टास्क बन गया है। रीजन है बाहुबली 2 के बाद की हुई उनकी तीनों फिल्में। ऐसा नहीं है कि प्रभास ने कोई लो बजट या मिड स्केल की फिल्म साइन की है। पोस्ट बाहुबली उन्होंने जितनी भी फिल्में साइन की है वो उन रिस्पेक्टिव जेनर में इंडिया की उन रिलीजेस तक हाईएस्ट बजट फिल्म थी। साहो तब तक की भारत में बनी सबसे एक्सपेंसिव एक्शन थ्रिलर थी, राधे श्याम सबसे महंगी रोमांटिक फ्लिक, और आदि पुरुष के 600 करोड़ का एटलीस्ट एक मीम तो आपने देखा ही होगा। पर कोई भी फिल्म कंटेंट वाइज कैप्टिवेटिंग नहीं थी। दो डिफरेंट बेल्ट की ऑडियंस को एक साथ अट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल भी होता है, और प्रभास दोनों को साथ में खींचना चाहते थे, शायद इसीलिए स्क्रिप्ट सिलेक्शन गड़बड़ हो जाता। उनकी लास्ट तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ढेर हो गई। अब प्रभास की नेक्स्ट दो रिलीजेस के कंटेंट्स हमारे सामने हैं। पहली है सलार और दूसरी है कल्कि 2898 AD। सलार बिंग KGF यूनिवर्स फिल्म डेफिनेटली हाइप रखती है, पर उसके टीजर ने कुछ खासा इंप्रेस नहीं किया क्योंकि उसमें कुछ भी नया और यूनिक नहीं था। सेम KGF के कॉन्सेप्ट, एक्शन शॉट्स और सिनेमेटोग्राफी सिमिलरिटीज के नाते टीजर हल्का लगता है, लेकिन प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट टाइम से ही अच्छा क्यूरियोसिटी रखती है क्योंकि घोषणा के वक्त बोला गया था कि ये एक साइंस फिक्शन प्रोजेक्ट है। इस मॉडर्न टाइम और एडवांस टेक्नोलॉजीज के एरा में भी हिंदुस्तान में साइंस फिक्शन फिल्में बहुत ही कम बनती, इसके लिए वेट तो बनता है। हाल ही में प्रोजेक्ट के का टाइटल अनाउंसमेंट हुआ इस फिल्म के ग्लिम्स के साथ। ग्लिम्स इज एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड ऑफर्स सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजुअल्स। ये 1 मिनट 16 सेकंड का वीडियो हिंट करता है दैट हमें कुछ यूनिक बट एक्साइटिंग स्टोरी लाइन मिलेगी। साथ ही कल्कि सिल्वर स्क्रीन पर इमर्सिव सिनेमेटिक एक्सपीरियंस देने की उम्मीद छोड़ती है। फिल्म के नाम में 2898 AD मेंशन है। AD 2 लैटिन वर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है, एनो डोमिनो मतलब ईसा पश्चात, तो 2898 AD का मीनिंग हुआ 2898 ईयर्स आफ्टर बर्थ ऑफ क्रिस्ट। आसान भाषा में ये इंग्लिश कैलेंडर के 2898 साल के टाइम पे सेट होगी। कल्कि नाम शायद भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी इनकार्नेशन को इंडिकेट करता है, जहां कलयुग में पाप अपने चरम सीमा पे होगा। कुछ बुरे लोग एडवांस टेक्नोलॉजीज और पावर के बलबूते इंसानियत खत्म कर पृथ्वी पे विध्वंस मचा के अर्थ के साथ साथ बाकी के प्लैनेट्स पे भी हुकूमत करने का एम करेंगे, और इन्हीं सबको रोकने के लिए प्रभास कल्कि रूप में अवतरित होंगे, जैसा कुछ श्री कृष्ण ने कहा है अगर श्रीमद भागवत गीता को बेस माने तो। वीडियो में दिखे अमिताभ बच्चन के ग्लिम्स में उनके माथे पे खून इस बात को थोड़ा क्लियर करता है, मे बी वो इमोर्टल अश्वत्थामा का रोल प्ले कर रहे हैं जो कल्कि के साथ एबिल से फाइट करेंगे, क्योंकि वेदों के अनुसार अश्वत्थामा अभी भी जीवित हैं पर शापित हैं, और उन्हें अभिशाप से मुक्ति विष्णु के कल्कि अवतार से ही मिलेगा। पूरे वीडियो में कमल हसन का फेस नहीं रिवील किया गया है, पर डायरेक्टर नाग अश्विन ने बोला है लॉन्च इवेंट पे दैट वो पूरे टीजर में है, देन हो सकता है ग्लिम्स में बिल्कुल डार्क थीम है और पिक्चर के मेन विलन वही है तो वो उन्हीं को इंडिकेट कर रहा हो दैट वो ही डार्कनेस है। हमारे वेद पुराण में भी काली पुरुष का डिस्क्रिप्शन है और इसे ही मिटाने भगवान विष्णु का मॉडर्न इनकार्नेशन होगा। वैसे इसमें अश्वत्थामा के साथ साथ और भी 6 चिरंजीवी आने के चांसेस हैं कल्कि की मदद को टू डिफीट काली पुरुष एंड डिस्ट्रॉय हिज इन्फ्लुएंस एंड आर्मी। फिल्म्स का ये क्लिप इसमें एक हाथ अमिताभ बच्चन और दूसरा कमल हसन का तो नहीं, जिसमें फॉर्मर वन एक्सट्रीम पास्ट तो लेटर वन एक्सट्रीम फ्यूचर डिनेट कर रहे हो। अगर आपको कहीं उनके ग्लिम्स दिखे हो तो कमेंट करना। अब एक्टर्स को साइड में रखते हैं, सबसे ज्यादा प्रशंसा करते हैं इसके डायरेक्टर नाग अश्विन। ग्लिम्स के हिसाब से जाएं तो वो कुछ ऐसा बना रहे हैं जो हमारे एक्सपेक्टेशन से परे है। राइट फ्रॉम द टाइटल, विजुअल्स एंड वो वर्ल्ड जो उन्होंने क्रिएट किया है वो सब कुछ टॉप नॉच लगता है। एक ही पिक्चर में आधुनिक और प्राचीन वेपन्स फिर मॉडर्न गून्स के साथ साथ एंशियंट सेंट्स को भी रखना काबिले तारीफ विजन है नाग अश्विन का। ग्लिम्स का ये एक फ्रेम जहां एक रोबोट प्राचीन काल के पुराने शिव मंदिर में प्रवेश करता है, दिस वॉज अ क्रॉस ओवर जिसके लिए हम बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। ओवरऑल कल्कि ग्लिम्स बहुत अच्छा है। हाँ, एक आध शॉट और फ्रेम ग्लिम्स में एवरेज है जिसे अभी के लिए इग्नोर करते हैं, और इसी उम्मीद के साथ कि फाइनल आउटपुट पे ज्यादा ध्यान देके बेस्ट एक्सपीरियंस देने का ट्राई करेंगे मेकर्स, वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू आप लोगों का टाइम देने के लिए, धन्यवाद।